राधे राधे दोस्तों, आप सबका लिपि पुष्पा टॉक्स पर स्वागत है। जयदेव गोस्वामी रचित गीत गोविंद हर राधा कृष्ण प्रेमी के हृदय के बहुत करीब है। जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के सम्मुख प्रत्येक दिन गीत गोविंद का पाठ होता है। पर क्या आप जानते हैं ये प्रथा कब से शुरू हुआ? एक बार एक मालिनी कन्या बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के पांचवें सर्ग की अष्टपदी गुनगुना रही थी। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितं बिनि गमन विलंबनम अनुसरतम हृदयेशम धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने चंचल कर युगशाली। उसके सुंदर स्वर के साथ भाव के प्रेम तरंग ने प्रभु जगन्नाथ को अधीर कर दिया। वो और मंदिर में नहीं रह पाए, मालिनी के पीछे पीछे डोलने लगे। रस घन मूर्ति श्री जगन्नाथ के आगमन को देख स्वर की देवी माँ सरस्वती ने भी चाहा, प्रभु की थोड़ी सी सेवा कर लो। वो स्वयं उस मालिनी के कंठ में विराजमान हो गई। प्रभु जगन्नाथ वाह वाह करके इतना विवल हो गए, बेसुध होकर मालिनी के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ के वस्त्र फट गए। अष्टपदी पूर्ण होते ही मालिनी के गीत की लहर ने धीरे धीरे विराम लाभ किया और जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में पधारे। फटे वस्त्र की खबर गजपति महाराज के पास पहुंची। वो मंदिर में पधारकर पुजारियों से पूछे, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, महाराज मायाधन ने क्या लीला किए हैं हम नहीं जानते, हम तो अभी नया वस्त्र पहनाए थे। इसका रहस्य जानने गजपति ध्यान में बैठ गए और अपने हृदय में जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बताइए किसने आपकी ऐसी दशा की, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जगन्नाथ महाप्रभु बोले, राजन तो क्या तुम मेरे भक्त को प्राण दंड दोगे? गजपति विस्मित होकर बोले, भक्त? जिसने आपको पीड़ा दी उसको आप भक्त कह रहे हैं? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, हाँ वो मेरी परम भक्त है। परम भक्तिमती मालिनी कन्या के गीत गोविंद गायन से मैं मुग्ध होकर उसके पीछे पीछे बैंगन के खेत में डोलने लगा और बैंगन के खेत के कांटों से मेरी ऐसी हालत हुई। मुझे गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है, जो जहाँ भी भाव से इसे गाता है मैं स्वयं वहाँ पहुँच कर सुनने लगता हूँ। गजपति महाराज ने जगन्नाथ महाप्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी और उसमें बिठाकर उस मालिनी कन्या को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए गीत गोविंद के उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन से गजपति ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गायन की व्यवस्था कर दी और पूरे उत्कल प्रदेश में ये ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या प्रजा, सभी इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।